सब्सक्राइब करें एबीपी गंगा। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की बात करें तो यहां पर 73.91 रुपये पेट्रोल के दाम अब हो गए हैं और 6 दिन में पेट्रोल के दाम 1.59 रुपये बढ़ गए हैं। दरअसल सऊदी में तेल प्लांट पर हमला हुआ था, उसके बाद से कच्चे तेल की कीमत में लगातार तेजी का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ दूसरे और कारण भी हैं, तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इस इजाफे की मार जनता को अब कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें अलग हैं क्योंकि राज्य सरकारें अपने उसमें अलग से टैक्स लगाती हैं। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ 73.91 रुपये पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और पिछले 6 दिनों की बात करें तो 1.59 रुपये की बढ़ोतरी इसमें हुई है। पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी का, इन दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, इसके सिलसिले सोमवार को भी अगर हम बात करें तो अब जारी है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। बीच में कुछ वक्त राहत जरूर मिली थी, लेकिन अगर हम बात करें तो कुछ वक्त पहले भी कुछ इस तरह के हालात थे। बहरहाल अविनाश सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अविनाश, पेट्रोल की दाम एक बार फिर से बढ़े, कितनी मुश्किलें लोगों को हो रही हैं और मैं एक बार फिर से पूरे कारण समझना चाहूंगा कि क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के और सरकार कब तक इन पर अंकुश लगा सकती है या इस संबंध में कुछ सोचा भी जा रहा है? बिल्कुल राजू जी, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज ही अगर हम बात करें तो 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है दिल्ली के अंदर, जिससे बढ़कर पेट्रोल 73.91 रुपये पर पहुंच गया है और पिछले 6-7 दिनों से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद से आज पेट्रोल पे कुल पिछले 7 दिनों में 1.69 रुपये तो है, डीजल में 1.31 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि जो सऊदी अरब में जो तेल के संयंत्र है वहां पे ड्रोन के हमले हुए हैं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आई है, जिसके बाद ये उछाल आई है। और खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब से बात की है कि भारत को जो भी तेल आता है सऊदी अरब से उसमें किसी प्रकार की आपूर्ति में बाधा ना आए, इसको लेकर सऊदी अरब पूरी तरीके से आश्वस्त किया है भारत को कि उनकी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अगर बात करें तो भारत हर महीने लगभग 20 लाख टन कच्चा तेल सऊदी अरब से लेता है और सऊदी अरब में जिस प्रकार से हुए जो वहाँ के संयंत्र हैं, खासतौर से अगर हम बात करें ISIS इलाके लगे हुए जो इलाके हैं उसमें जो अमेरिका के ड्रोन हमला हुआ है, उसके बाद से ही लगातार इस हमले में अगर देखें कच्चे तेल की कमी आ रही है, इसी वजह से जो है पेट्रोल और डीजल के दाम में उछाल देखने को मिल रहा है। जी अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल तो राहत मिलती हुई दिख नहीं रही है और सरकारें बात जरूर कर रही हैं सऊदी से, क्या कुछ निकल कर आ पाता है और कब तक राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोग फिलहाल अब राहत की उम्मीद जरूर करें क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सीधा असर खाद्य सामग्री पर भी पड़ता है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।